And the winner of the coveted Indian of the Year Sports for a second year running, Neeraj Chopra, is joining us live now. Neeraj, first of all, Olympics ke baad World Championship ka jo medal aapne 2023 mein jeeta, wo bahut ek special medal tha. Lekin main aapke shabdon mein janna chahti hoon ki World Champion banna aapke liye kitna special tha. World Championship ka medal bahut hi zyada special tha, kyunki sabse major title ek wahi bacha hua tha, baki sabhi mein गोल्ड हो गया था. तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का वेट था कि हाँ कुछ अच्छा करना है. सबसे मेन बात थी कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले साल में जो बीच में इंजरी हो गई थी और उससे फिर कम बैक किया और फिर इतने बड़े कंपटीशन में खेला और गोल्ड जीता, तो वो सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए. बिल्कुल गोल्ड तो था ही, लेकिन जिस सिचुएशन में मैं खेला और जो माइंड सेट था थोड़े दिन पहले और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतना, तो वो काफ़ी स्पेशल था. उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा मेरा. और लोग हमेशा आपकी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं सबसे ज़्यादा. जितनी भी सक्सेसेस आपने पाई हैं उसमें आप बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कंसिस्टेंसी का आपका मंत्र क्या है. कंसिस्टेंसी के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो जो है ट्रेनिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. अपनी टेक्निक परफेक्ट करो. अगर मैं कॉम्पिटिशन की बात करूँ, जब मैं ग्राउंड में होता हूँ, फील्ड पे होता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है, क्योंकि कई बार काफ़ी कंपटीशन में मेरी फर्स्ट थ्रो सेकंड थ्रो काफ़ी अच्छी होती है और कई बार अच्छी नहीं होती है. तो माइंड में एक ही बात चलती है कि चाहे लास्ट थ्रो तक कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी थ्रो जो मैंने ऑलरेडी कर रखी है, मेरी पर्सनल बेस्ट है, उसके आसपास मुझे थ्रो करनी है किसी भी हालत में. तो वो बिलीव खुद के ऊपर होता है और वो जब तक लास्ट थ्रो नहीं आ जाती, वो खुद पे चाहे कैसा भी मेरा कैसी भी तैयारी है या कैसी बॉडी चल रही है, लेकिन फिर भी माइंड काफ़ी पॉजिटिव होता है, खुद के ऊपर ट्रस्ट होता है कि नहीं कर लूँगा लास्ट तक. एशियन गेम्स में आप जीते, ऑफिशिएटिंग ट्रबल्स आपको झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी आप जीते गोल्ड मेडल. किशोर जैना भी फेस किए थे इश्यूज, आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया था. कितना स्पेशल था क्योंकि भारत के लिए 1-2 फिनिश रहा था एशियन गेम्स में आपकी बार. बिल्कुल, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ है कि कब इतने बड़े गेम्स में पहली बार ऐसे कोई इंडियन मेरे साथ पोडियम पे खड़ा था. तो बहुत ही मज़ा आया वो देख के. और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि थ्रो भी काफ़ी अच्छी लगाई थी जैना ने और पेरिस के लिए क्वालिफाई किया, तो 2 थ्रो पर्सनल बेस्ट की उस दिन उसने, तो वो बहुत ही अच्छी बात थी. और बिल्कुल यही आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में 2 की जगह हम 3 इंडियन पोडियम पे खड़े हों. और जेवलिन ऑलरेडी वर्ल्ड को पता लग ही गया है कि इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि और अच्छा पावर हाउस बने जेवलिन इंडिया में. जी, अब 2024 में आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है. किसी भी टाइटल को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप पेरिस ओलंपिक्स में आपके ऊपर दबाव होगा कि आप अपना गोल्ड मेडल डिफेंड करें, दोबारा गोल्ड मेडल जीतें. कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल, ओलंपिक जैसे गेम की बात करें तो अपना टाइटल डिफेंड करना बहुत ही बड़ी बात होती है और बहुत ही मेंटली फिजिकली बहुत टफ होकर जाना पड़ता है. कॉन्फिडेंस की बात करें तो फिलहाल अभी ट्रेनिंग चल रही है और मेरा फोकस यही रहेगा कि ट्रेनिंग पे जितना ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकें और ट्रेनिंग में जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सके वो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी से पहले मैं कोई ऐसे सोच के नहीं जाऊँगा कि मुझे पेरिस ओलंपिक्स में ये करना है. वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होता रहेगा. सबसे बड़ा मेरा जो टारगेट है अभी अपने फिटनेस लेवल को अच्छा करना, अपनी टेक्निक अच्छी करना. पिछले कुछ सालों से जो थोड़ी बहुत कमी लगती है स्ट्रेंथ में या फ्लेक्सिबिलिटी में या टेक्निक में, उन चीज़ों पे काम करना है. जो भी चीज़ें कमज़ोर थी उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है. तो सबसे बड़ा फोकस ये है. और ओलंपिक से पहले मेरा टारगेट ये है कि मैं जो बाकी के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लूँगा, कुछ में डायमंड लीग या कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड में, उनमें अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, ताकि एक कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़े और ओलंपिक तक मैं अच्छा रेडी हो सकूँ फिजिकली और मेंटली. Well, we wish you all the best. Congratulations once again to Neeraj Chopra for winning Indian of the Year Sports for a second year running.